नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एकाधिकार कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो कीमत विभेद का मतलब होता है कि अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल की जाए। ऐसा क्यों हो सकता है, आप सोचिए कि ऐसा तभी हो सकता है जब बाजार अपूर्ण हो। अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे। तो कीमत विभेद का यही अर्थ है कि भिन्न भिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना। एक ही सेवा है या एक ही वस्तु है, उसका अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल की जाए उसकी। तो कीमत विभेद के प्रकार में पहला आता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब है व्यक्तिगत आधार पर भी विभेद किया जाता है। कैसे, इसको ऐसे समझिए कि डॉक्टर और वकील ये क्या करते हैं कि अधिक पैसे वाले लोगों से, धनी लोगों से अधिक फीस वसूलते हैं और गरीबों से कम। वही वकील है, उस वकील के पास एक गरीब जाए और एक अमीर जाए, तो अमीर जैसे ही वो समझ जाएंगे कि अमीर है तो उससे वो अधिक पैसे लेंगे और गरीब से कम। ठीक उसी प्रकार प्रायः देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन डॉक्टर भी ऐसा करते हैं। दूसरा होता है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी कीमत विभेद होता है। ये कैसे होता है, ये कीमत विभेद का प्रकार है। कैसे होता है कि आपने देखा होगा कि जो पुस्तक का जो ब्रांड, कोई ऐसी पुस्तक है, माफ़ कीजिएगा, कोई ऐसी प्रकाशन करने वाली कंपनी है जिसका नाम बहुत अच्छा है, बहुत उसकी रेपुटेशन है, तो वह कंपनी या वह प्रकाशक कंपनी जब पुस्तक को प्रकाशित करती है तो उसके नाम पर, अपने नाम के आधार पर, अपने रिपुटेशन के आधार पर वो ज़्यादा कीमत लेते हैं। और ठीक वही मटेरियल अगर दूसरी कोई साधारण प्रकाशक कंपनी उसको प्रकाशित कर रही है तो वो कम रुपए में पुस्तक को दे देते हैं। या इसको दूसरे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे पहाड़ों पर के जो होटल हैं, तो सर्दी के मौसम में गर्मियों की अपेक्षा कम किराया दे करके आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब गर्मी आएगी तो गर्मी में अधिक लेंगे। कारण वस्तु की प्रकृति, होना तो चाहिए मौसम वहाँ पर, लेकिन वो इसी में शामिल है। तीसरा है कीमत विभेद का प्रकार उपभोक्ता की आयु। उपभोक्ता की आयु भी बहुत मैटर करती है कि कीमत विभेद उसके संग हो या इसके कारण कीमत विभेद होता है। कैसे, एक छोटा अगर बच्चा है तो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के बाल कटाने के लिए जो बाल काटने के लिए नाई है वो कम पैसे ले लेगा, लेकिन कोई बड़ी उम्र का है तो उससे वो कम पैसे नहीं लेगा। या आप देखते हैं कि बस में या टैक्सी में आप जा रहे हैं तो छोटे बच्चे से कम किराया ले लेते हैं और जिसकी उम्र अधिक है उससे कम नहीं लेते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में सेवा का समय। सेवा के समय के आधार पर भी कीमत विभेद होता है। कैसे होता है, आपने देखा होगा कि शहरों में जब सिनेमा घर में अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो सुबह के समय कम पैसे लिए जाते हैं और दोपहर के बाद में उसी टिकट का रेट हाई होता है। क्यों, वही बात है जैसे पीछे किसी वीडियो में बताया है कि पूरा ये सिस्टम मनोवैज्ञानिक कह लो या राजनीतिक चलता रहता है। हम आप पढ़ अर्थशास्त्र हैं लेकिन उसमें राजनीति लगी रहती है। क्या राजनीति लगी रहती है कि कंज्यूमर सोचता है कि हम कितना लाभ उठा लें,
और जो नियोक्ता है या जो सेवा प्रदान कर रहा है वो सोचता है हम कैसे कितना लाभ उठा लें। तो दोनों अपना अपना लाभ उठाने के चक्कर में रणनीतियाँ अपनाते रहते हैं, और वही रणनीतियों का पार्ट ही अर्थशास्त्र है। सेवा का समय, आप संडे को फिल्म देखने जाइए तो संडे को आपको दो भाग होते हैं रणनीति के। हो सकता है अगर रेट कम है तो इसका मतलब है संडे को छुट्टी रहती, इसलिए अधिक लोगों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। और अगर उस दिन रेट ज़्यादा रखा जा रहा है, इसका मतलब है उस दिन लोग ज़्यादा देखने आते हैं, खाली रहता है समय उनके पास, इसलिए उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि एक ही दिन में रेट अलग अलग होते हैं। सुबह सुबह लोग अपना काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या इतनी जल्दी सुबह नहीं आ सकते हैं देखने के लिए, तो उस समय रेट सस्ते रहते हैं। लेकिन दोपहर के बाद में जितने भी सिनेमा अगर आप देखेंगे उसमें टिकट का रेट कुछ हाई रहता है। तो इसका मतलब है कि जो सेवा का समय है वो भी मतलब इसके आधार पर भी कीमत विभेद होता है। पांचवा है भौगोलिक या स्थानीय विभेद। भौगोलिक आधार पर या स्थानीय आधार पर भी विभेद होता है कि कोई वस्तु है वो कहीं पर किसी रेट में है और कहीं पर किसी रेट में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वस्तु प्रयोग होता है, अर्थात वस्तु प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन है, तो ट्रेन में भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए भिन्न भिन्न दरें वसूल करते हैं। या इसको ऐसे समझ लो कि ट्रेन में चाहे किसी ने 100 रुपये दिया हो और चाहे किसी ने 500 रुपये दिया हो, एक ही समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। लेकिन उनकी सेवा के आधार पर कोई फर्स्ट क्लास में बैठा है, कोई सेकंड क्लास में बैठा है, कोई किसी तरीके की सेवा ले रहा है, तो इसके आधार पर विभेद होता है। रिजर्वेशन कराया है तो उसका अधिक रुपये दे रहा है, और साधारण है तो उसके कम रुपये हैं। तो वस्तु प्रयोग के आधार पर भी कीमत विभेद होता है। अब कीमत विभेद की शर्तें क्या हैं? शर्तें इसकी क्या हैं? प्रथम शर्त यह है कि मार्केट जो है वो अपूर्ण हो। पूर्ण मार्केट में आप कीमत विभेद नहीं कर पाएंगे, अर्थात आप कीमत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पूर्ण मार्केट होगा तो आपके वहाँ से वो चीज़ लेगा ही नहीं, दूसरी जगह ले लेगा। दूसरी चीज़ क्या है? जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी विक्रेताओं में सहमति हो। अगर प्रतिद्वंदी विक्रेताओं में सहमति नहीं है तो एक विक्रेता ने ज़्यादा कीमत लेनी चाहिए, तो उपभोक्ता उसको छोड़ के दूसरे के पास जाकर वस्तु को ले लेगा कम कीमत पर। इस प्रकार जो प्रथम विक्रेता है वो कीमत विभेद नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो विक्रेता हैं उसमें सहमत हो। भौगोलिक या टैरिफ बंधन भी हो। विभिन्न वस्तुओं का मतलब यह है, इसको ऐसे आप समझो कि जब एक ही समय पर विभिन्न वस्तुओं की जरूरत हो, जैसे जिस समय पर ट्रेन चलती है तो उसी समय पर किसी व्यापारी को मालगाड़ी से अपना माल पहुंचाने की ज़रूरत है, तो ऐसे समय पर रेलवे क्या करेगा कि उस मालगाड़ी का जो किराया है वो अधिक रखेगा, या जो भी रणनीति अपनाए, तो इस समय रेलगाड़ी के किराए में और उस मालगाड़ी के किराए में अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की जो विभिन्न वस्तुएं हैं एक ही समय पर मांगी जा रही हैं, यात्री भी उसी समय पर जाना चाह रहे हैं और व्यापारी भी अपने माल को
अपने कच्चे माल को या किसी भी चीज़ को उसी समय पर पहुंचवाना चाह रहे हैं। पांचवी इसकी शर्त क्या है कि क्रेताओं की अज्ञानता हो। अगर क्रेता ज्ञानवान है तो कीमत विभेद नहीं हो पाएगा। छठी चीज़ है कि वस्तुओं में कृत्रिम अंतर होना चाहिए तथा साथ में मांग में अंतर। तो ये सब कीमत विभेद की शर्तें हैं। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।